जय हिंद दोस्तों. सो 100 क्वेश्चंस वर कंप्लीटेड फ्रॉम द चैप्टर 4th एग्रीकल्चर एंड एलाइड एक्टिविटीज़. बाकी क्वेश्चंस हम नेक्स्ट 2 वीडियोस में हम कंप्लीट करेंगे. सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स स्टार्ट विद द क्वेश्चन नंबर 101. अमंग द फॉलोइंग विच वन इज़ रिलेटेड टू ब्लू रेवोल्यूशन. ठीक है, तो देखिए ब्लू रेवोल्यूशन आप यहाँ से ईजिली एलिमिनेट कर सकते हैं. दैट इज़ पिसीकल्चर. पिसीकल्चर का मतलब होता है मछली पालन, जो पानी से रिलेटेड है, और ब्लू रेवोल्यूशन उसको बोला जाता है. बाकी फ्लोरिकल्चर फूलों की खेती होगी, हॉर्टिकल्चर में आपका फल और सब्जियां का हो गया, और सेरिकल्चर जो होता है वो सिल्क के लिए हो जाता है. ठीक है, ब्लैक रेवोल्यूशन इज़ रिलेटेड टू. देखिए ब्लैक में, बाकी में तो आप कन्फ्यूज़ नहीं होंगे, फिश और मस्टर्ड में, कोल और क्रूड ऑयल में हो सकते हैं, लेकिन क्रूड ऑयल के लिए ब्लैक रेवोल्यूशन बोला जाता है, क्योंकि जब क्रूड ऑयल अपनी नेसेंट स्टेज पे होता है तो वो ओरिजिनली ब्लैक कलर का होता है. ठीक है, और इसको ब्लैक गोल्ड भी बोलते हैं. सो उसके प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए ब्लैक रेवोल्यूशन नाम दिया गया था. बाकी अगर हम दूसरे प्रोडक्शंस की बात करें तो ब्लू रेवोल्यूशन फिश प्रोडक्शन, वाइट रेवोल्यूशन इज़ फॉर मिल्क प्रोडक्शन और डेयरी फार्मिंग, रेड रेवोल्यूशन इज़ फॉर मीट और टोमेटो प्रोडक्शन, ग्रीन इज़ फॉर फॉरन फूड ग्रेन प्रोडक्शन, येलो इज़ फॉर ऑयल सीड्स प्रोडक्शन. येलो रेवोल्यूशन वी हैव सीन ऑयल सीड प्रोडक्शन. येलो रेवोल्यूशन इज़ रिलेटेड विद अगेन रेप सीड मस्टर्ड प्रोडक्शन. फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन इन द वर्ल्ड, देखिए फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन इन द वर्ल्ड की बात करेंगे तो नॉर्मन एंड बोरलॉग हो जाएंगे, और इंडिया में बात करेंगे तो एम एस स्वामीनाथन जी हो जाएंगे. ठीक है, तो अमेरिकन एग्रोनॉमिस्ट थे ये, और इनको नोबेल प्राइज़ भी मिला था पीस के लिए इन 1970. एंड ग्रीन रेवोल्यूशन जो बढ़ा उस समय प्रोडक्शन, पर्टिकुलरली डेवलपिंग कंट्रीज़ में, उनका श्रेय इनको जाता है. और इंडिया में अगर हम बात करेंगे तो एम एस स्वामीनाथन जी को फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन बोला जाता है. इंडियन ग्रीन रेवोल्यूशन स्टार्टेड फ्रॉम, तो इंडियन ग्रीन रेवोल्यूशन स्टार्ट हुआ था पंतनगर से. ठीक है, जी बी पंत जी के नाम पे पंतनगर यूनिवर्सिटी बनाई गई है, तो पंतनगर से स्टार्ट हुआ था. द बिगिनिंग ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन इन इंडिया इज कंसिडर्ड फ्रॉम ईयर 1966, यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर पंतनगर. ये इंपॉर्टेंट कॉन्ट्रीब्यूटर है इन ब्रिंगिंग ग्रीन रेवोल्यूशन इन इंडिया. ये यूनिवर्सिटी को बर्थ प्लेस भी बोला जाता है ग्रीन रेवोल्यूशन. विच ऑफ द फॉलोइंग मोस्ट अप्रोप्रिएटली डिस्क्राइब्स द नेचर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन इन द लेट 60s ऑफ लेट 60s ऑफ 20th सेंचुरी. देखिए इंटेंसिव कल्टिवेशन ऑफ ग्रीन ग्रीन वेजिटेबल्स नहीं है, इंटेंसिव एग्रीकल्चरल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम भी नहीं है, हाई यील्डिंग वेराइटीज प्रोग्राम भी नहीं है, सीड फर्टिलाइजर वाटर टेक्नोलॉजी है. ठीक है, सीड फर्टिलाइजर वाटर टेक्नोलॉजी की बात की गई है इसमें ग्रीन रेवोल्यूशन में. सो ये इसके नेचर को डिस्क्राइब कर रही है इन द लेट 60s 20th सेंचुरी. बाई यूजिंग सीड्स विद इम्प्रूव जेनेटिक्स, फर्टिलाइजर्स, वाटर फॉर इरीगेशन, एग्रीकल्चर मशीनरी, पेस्टिसाइड्स एट्सेट्रा, द ग्रीन रेवोल्यूशन चेंज्ड इंडिया स्टेटस फ्रॉम अ फूड डेफिशिएंट कंट्री टू द वन ऑफ द वर्ल्ड्स लीडिंग एग्रीकल्चरल नेशंस. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. द रीज़न फॉर इंक्रीज इन प्राइस ऑफ फूड ग्रेन्स डिस्ट्रीब्यूटेड थ्रू पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम इज़ टू. तो क्या रीज़न है इसका, जो फूड ग्रेन प्रोडक्शन का जो प्राइजेस बढ़े थे, ये क्वेश्चन है 1995 का, उस समय की बात कर रहे हैं कि जो फूड ग्रेन प्रोडक्शन के जो प्राइजेस बढ़ाए जाते हैं विच आर डिस्ट्रीब्यूटेड थ्रू पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, उसका क्या बेसिकली रोल रहेगा. तो इट विल लेसन द बर्डन ऑफ सब्सिडी. ठीक है, जो भी सब्सिडी जो इन्वॉल्व होती है स्कीम में, उसके बर्डन को कम करेगा. तो जो पीडीएस स्कीम होती है, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, द गवर्नमेंट प्रोवाइड्स फूड ग्रेन्स एट अफोर्डेबल प्राइसेस. किसको देते हैं, पुअर फैमिलीज को प्रोवाइड करवाते हैं. सो गवर्नमेंट प्रोवाइड सब्सिडीज ऑल्सो ऑन फूड ग्रेन्स विच आर रिलीज फ्रॉम पीडीएस. द प्राइजेस ऑफ फूड ग्रेन्स रिलीज बाय पीडीएस आर लोअर देन द मार्केट प्राइजेस. जो फूड ग्रेन्स पीडीएस से दिए जा रहे हैं वो मार्केट प्राइजेस से बहुत कम होते हैं. सो अगर गवर्नमेंट रेज कर देती है द प्राइस ऑफ फूड ग्रेन्स डिस्ट्रीब्यूटेड थ्रू पीडीएस, इट्स डायरेक्ट इम्पैक्ट विल बी ऑन द रिडक्शन इन द बर्डन ऑफ सब्सिडी. ठीक है, नेक्स्ट, ऑपरेशन फ्लड इज रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग. देखिए ऑपरेशन फ्लड मिल्क प्रोडक्शन से रिलेटेड है. तो दूध में हम सेल्फ सफिशिएंट नहीं थे, उससे हमें सेल्फ सफिशिएंट और वर्ल्ड का नंबर वन प्रोड्यूसर बनाया, तो वो पॉसिबल हो पाया थ्रू ऑपरेशन फ्लड. और इंडिया में डॉक्टर वर्गीज कुरियन जो है, उनको फादर ऑफ वाइट रेवोल्यूशन भी बोला जाता है. नेक्स्ट क्वेश्चन, सेल्फ सफिशिएंसी इन फूड इन द ट्रू सेंस ऑफ फ्रीडम फ्रॉम हंगर हैज़ नॉट बीन अचीव्ड. ठीक है,
इन स्पाइट ऑफ मोर देन 3-fold राइज इन फूड ग्रेन प्रोडक्शन. तो फूड ग्रेन प्रोडक्शन तो बहुत बड़ा, बट सेल्फ सफिशियंसी नहीं बढ़ी ओवर 1950 टू 1990. उसका रीज़न क्या है? ग्रीन रेवोल्यूशन हैज़ बीन रिस्ट्रिक्टेड टू स्मॉल पॉकेट्स ऑफ द कंट्री. सही है ये रीज़न. द कॉस्ट ऑफ फूड इज़ टू हाई कंपेयर टू द अर्निंग्स. ठीक है, सही है. टू मच एम्फेसिस इज़ लेड ऑन वीट एंड पैडी कंपेयर टू द कोर्स ग्रेन्स. ये भी सही है. ग्रीन रेवोल्यूशन के टाइम पे ज़्यादा एम्फेसिस जो था वो फूड ग्रेन्स पे दिया गया था, कैश क्रॉप्स पे नहीं था. नेक्स्ट इज द गेन्स ऑफ द ग्रीन रेवोल्यूशन हैव लार्जली एक्रूड टू द कैश क्रॉप्स रादर देन फूड क्रॉप्स. सो 1, 2, 3 इज द आंसर. 4 नहीं है, क्योंकि अभी हमने देखा फूड प्रोडक्शन जो आपका ग्रेन प्रोडक्शन है उस पर ज़्यादा था. ठीक है, फूड ग्रेन्स पे. नेक्स्ट, विच स्टेट ऑफ इंडिया हैव डिराइव्ड मैक्सिमम बेनिफिट्स फ्रॉम ग्रीन रेवोल्यूशन. सबसे ज़्यादा बेनिफिट किसको हुआ? तो पंजाब, हरियाणा और वेस्टर्न यूपी को हुआ. पंजाब, हरियाणा एंड वेस्टर्न यूपी, क्योंकि उनके पास अच्छी इरीगेशन और इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज़ थी और मैक्सिमम बेनिफिट्स उससे उनको मिला. द सेकेंड ग्रीन रेवोल्यूशन प्रपोज बाय द प्राइम मिनिस्टर डज नॉट इंक्लूड. देखिए, सेकेंड ग्रीन रेवोल्यूशन जो कि प्रपोज किया गया था प्राइम मिनिस्टर के द्वारा, उसमें इनमें से कौन से पर्सन इन्वॉल्व नहीं थे? तो सॉरी, प्रपोज बाय प्राइम मिनिस्टर डज नॉट इंक्लूड. सो इट डज नॉट इंक्लूड, जो इंक्लूड है पहले वो देख लेते हैं. हेल्पिंग इंडियन फार्मर्स टू पार्टिसिपेट इन ग्लोबल एग्रीकल्चरल ट्रेड, ये सही है, इंक्लूडेड था. मिनिमाइज पोस्ट हार्वेस्ट वेस्टेज, ये भी सही है. इम्प्रूव स्टोरेज ऑफ क्रॉप्स, ये भी सही है. एनकरेज फॉरन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट इन एग्रीकल्चर, ये सही नहीं है. फॉरन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट के बारे में बात नहीं की गई थी. विच ऑफ द फॉलोइंग एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस इज इको फ्रेंडली? कल्टिवेशन ऑफ हाई यील्डिंग वेराइटीज, ग्रोइंग प्लांट्स इन ग्लास हाउसेज, देखिए इससे ग्रीन हाउस क्रिएट होगा. शिफ्टिंग कल्टिवेशन, ये भी इको फ्रेंडली नहीं है. ऑर्गेनिक फार्मिंग इको फ्रेंडली टेक्निक है. ऑर्गेनिक फार्मिंग में सारी चीज़ें ऑर्गेनिक चीज़ें यूज़ की जाती हैं. इट इज़ एन इको फ्रेंडली टेक्निक. सो इट यूजेस फर्टिलाइजर्स ऑफ ऑर्गेनिक ओरिजिन जैसे कि कंपोस्ट मैन्योर, ग्रीन मैन्योर, बोन मील, एंड प्लेसेस एम्फेसिस ऑन टेक्निक्स सच एज क्रॉप रोटेशन एंड कंपेनियन प्लांटिंग. इट इज़ डिफाइंड एज प्रोडक्शन ऑफ क्रॉप्स विदाउट द यूज़ ऑफ सिंथेटिक केमिकल फर्टिलाइजर्स एंड पेस्टिसाइड्स. सो कंपेयर्ड विद द कन्वेंशनल एग्रीकल्चरल, ऑर्गेनिक फार्मिंग रिड्यूसेस सॉइल इरोजन, डिक्रीजेस नाइट्रेट लीचिंग इनटू ग्राउंड वाटर एंड सरफेस वाटर, एंड रिसाइकल्स एनिमल वेस्ट बैक इनटू द फार्म. नेक्स्ट क्वेश्चन, विद रेफरेंस टू इनिशिएटिव फॉर न्यूट्रिशनल सिक्योरिटी थ्रू इंटेंसिव मिलेट प्रोग्राम प्रमोशन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज और आर करेक्ट? ये जो इनिशिएटिव है, इट एम्स टू डेमोन्स्ट्रेट द इम्प्रूव्ड प्रोडक्शन एंड पोस्ट हार्वेस्ट टेक्नोलॉजी एंड टू डेमोन्स्ट्रेट वैल्यू एडिशन टेक्निक्स. ठीक है, तो ये एक इंटीग्रेटेड मैनर में वैल्यू एडिशन टेक्निक्स भी यूज़ करेगा विद द क्लस्टर अप्रोच. पुअर स्मॉल एंड मार्जिनल ट्राइबल फार्मर्स हैव लार्जर स्टेक इन दिस स्कीम, सही है. एन इम्पॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव ऑफ द स्कीम इज टू एनकरेज फार्मर्स टू ऑफ कमर्शियल क्रॉप्स टू शिफ्ट टू मिलेट कल्टिवेशन बाय ऑफरिंग देम फ्री किट्स ऑफ क्रिटिकल इनपुट्स ऑफ न्यूट्रिएंट्स एंड माइक्रो इरीगेशन इक्विपमेंट्स. तो देखिए, 1 and 2 इसमें सही बता रहे हैं. ये जो प्रोग्राम है ये लॉन्च हुआ था 2011-12 में अंडर राष्ट्रीय कृषि विकास योजना. किस लिए हुआ था? फॉर प्रमोशन ऑफ मिलेट्स एज न्यूट्री सीरियल्स. स्कीम एम्स टू डेमोन्स्ट्रेट द इम्प्रूव प्रोडक्शन एंड पोस्ट हार्वेस्ट टेक्नोलॉजीज इन एन इंटीग्रेटेड मैनर विद अ विजिबल इम्पैक्ट टू कैटलाइज इंक्रीज प्रोडक्शन ऑफ मिलेट्स इन द कंट्री. बिसाइड्स इंक्रीजिंग द प्रोडक्शन ऑफ मिलेट, द स्कीम थ्रू प्रोसेसिंग एंड वैल्यू एडिशन टेक्निक्स इज एक्सपेक्टेड टू जेनरेट कंज्यूमर डिमांड फॉर मिलेट बेस्ड फूड प्रोडक्ट्स. पुअर स्मॉल मार्जिनल जो ट्राइबल फार्मर्स हैं उनका ज़्यादा स्टेक है बिकॉज वो सबसे ज़्यादा मिलेट कल्टिवेट भी करते हैं. टेक्नोलॉजी डेमोन्स्ट्रेशन किट्स ऑफ क्रिटिकल इनपुट्स ऑफ न्यूट्रिएंट्स वो सप्लाई की जाएंगी फ्री टू बेनिफिशरी फार्म सब्जेक्ट्स टू मैक्सिमम एरिया ऑफ 2 hectares. ठीक है, शिफ्टिंग फ्रॉम कमर्शियल क्रॉप्स एंड ऑफरिंग ऑफ माइक्रो इरीगेशन इक्विपमेंट, ये मेंशन नहीं था. तो ये जो पॉइंट है ये मेंशन नहीं था उसमें. दिया जाएगा, सब्सिडी फ्री किट्स भी दी जाएंगी, लेकिन ये मेंशन नहीं था उसमें. ठीक है,
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 116 क्वेश्चन नंबर 116, नेशनल एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी प्रोजेक्ट NATP इज फंडेड इन इंडिया बाय, सो NATP इज फंडेड इन इंडिया बाय वर्ल्ड बैंक। ये लॉन्च हुआ था 1998 में, सपोर्ट था इसमें वर्ल्ड बैंक का, टू स्ट्रेंथन एंड कॉम्प्लीमेंट द एग्जिस्टिंग रिसोर्सेज टू एंड टू ऑगमेंट द आउटपुट ऑफ नेशनल एग्रीकल्चरल रिसर्च सिस्टम विद रेफरेंस टू प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, अंडर द स्कीम फार्मर्स विल हैव टू पे अ यूनिफॉर्म प्रीमियम ऑफ 2% फॉर एनी क्रॉप दे कल्टिवेट इन एनी सीजन ऑफ द ईयर। ठीक है, तो फार्मर्स जो हैं दे विल हैव टू पे अ यूनिफॉर्म प्रीमियम ऑफ 2% किसी भी क्रॉप के लिए अगर वो कल्टिवेट करते हैं इन एनी सीजन ऑफ द ईयर। द स्कीम कवर्स पोस्ट हार्वेस्ट लॉसेस अराइजिंग आउट ऑफ द साइक्लोन्स एंड अनसीजनल रेन्स। देखिए ये तो सही है, सेकेंड स्टेटमेंट सही है, फर्स्ट स्टेटमेंट सही नहीं है। न्यू अम्ब्रेला स्कीम प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, ये लॉन्च हुई थी 13 जनवरी 2016 को खरीफ सीजन से, बाय रिप्लेसिंग द अर्लियर टू स्कीम्स। दो स्कीम्स को इसने रिप्लेस किया था, नेशनल एग्रीकल्चर इंश्योरेंस स्कीम को रिप्लेस किया था और मॉडिफाइड नेशनल एग्रीकल्चरल इंश्योरेंस स्कीम। मेन ऑब्जेक्टिव क्या था, टू प्रोवाइड इंश्योरेंस कवरेज एंड फाइनेंशियल सपोर्ट टू द फार्मर्स इन इवेंट ऑफ फेलियर ऑफ द नोटिफाइड क्रॉप एज अ रिजल्ट ऑफ नेचुरल कैलामिटी पेस्ट एंड डिसीजेस। इनकम न्यूट्रल स्टेबलाइज करना फार्मर्स के एंड इंश्योर करना फॉर द कंटिनेंस इन फार्मिंग, to encourage farmers to adopt innovative and modern technology agricultural practices and to ensure the flow of credit to the agriculture sector. PMFBY jo hai it covers all food and oilseed crops and annual commercial horticultural crops for which past yield data is available, prescribed premium, percentage of sum insured or actuarial rate jo hai whatever is less is 2% to be paid by farmers for all kharif crops and 1.5% जो दिया जाएगा वो रबी क्रॉप्स के लिए दिया जाएगा। ठीक है, तो यूनिफॉर्म नहीं है जो इसमें क्वेश्चन में दिया है कि यूनिफॉर्म है 2%, यूनिफॉर्म नहीं है, 2% दिया जाएगा खरीफ के लिए, 1.5 फॉर ऑल रबी क्रॉप्स। इन केस ऑफ एनुअल कमर्शियल एंड हॉर्टिकल्चरल क्रॉप्स जो प्रीमियम होगा वो 5% होगा, सो देयर इज नो यूनिफॉर्म प्रीमियम। In order to ensure more efficient and effective implementation of this scheme, the government has launched revamped PMFBY from the Kharif 2020 season. Next, crop insurance scheme in India was started in. Crop insurance scheme started with 1985 mein. So first attempt for crop insurance was made on April 1, 1985 during the Kharif season when the comprehensive crop insurance scheme CCIS was launched by Indian government. National Agricultural Insurance Scheme replacing Comprehensive Crop Insurance Scheme introduced in the year, तो ये कब इंट्रोड्यूस हुई थी, 1999 में। The Union Ministry of Agriculture launched the National Agricultural Insurance Scheme from the Rabi season 1999-2000 season in place of Comprehensive Crop Insurance Scheme जो कि स्टार्ट हुई थी on April 1, 1985. So NAIS jo tha it was launched as a part of risk management in agriculture with the objective of providing financial support kisko farmers ko in the event of failure of crops as a result of natural calamities pests diseases etc. NAIS was extended to kharif crops as well as by the union budget 2004-5 new central sector scheme national crop insurance program ye formulate kiya gaya by grouping NAIS pilot modified NAIS started from rabi pilot वेदर बेस्ड क्रॉप इंश्योरेंस स्कीम एंड पायलट कोकोनट पाम इंश्योरेंस स्कीम, ये 2009-10 में आई थी। NCIP फिर फोर्स में आया फ्रॉम रबी सीजन 2013-14। ठीक है, और इसमें सारी डिस्ट्रिक्ट्स कवर हुई थी। उसके बाद एक नई अम्ब्रेला स्कीम आती है, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना 2016 में ये लॉन्च होती है मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर के द्वारा एंड खरीफ सीजन से इसको स्टार्ट किया गया। इट इनकॉर्पोरेट्स द बेस्ट प्रैक्टिसेस बेस्ट फीचर्स ऑफ ऑल द प्रीवियस स्कीम्स एंड एट द सेम टाइम ऑल प्रीवियस शॉर्ट कमिंग्स वीकनेसेस इसमें से हटा दी गई। इट रिप्लेस NAIS एंड मॉडिफाइड NAIS फर्दर WBCIS जो कि था वेदर बेस्ड क्रॉप इंश्योरेंस स्कीम उसको भी मॉडिफाई किया गया ऑन पार विथ PM फसल बीमा योजना।
नेशनल एग्रीकल्चर इंश्योरेंस स्कीम लॉन्च हुआ था कब? नेशनल एग्रीकल्चरल इंश्योरेंस स्कीम ये कब लॉन्च हुआ था? ये हुआ था 1999-2000 में। इन विच फाइनेंशियल ईयर यूनियन बजट प्रपोज टू एक्सटेंड द नेशनल एग्रीकल्चर इंश्योरेंस स्कीम टू खरीफ क्रॉप एज वेल? तो खरीफ क्रॉप में भी बढ़ी, 99 में ये शुरू हुई थी, खरीफ क्रॉप में भी दी जाएगी, 2004-05 से हुआ था। वेदर बेस्ड क्रॉप इंश्योरेंस स्कीम ये इम्प्लीमेंट हुई थी पहली बार कहाँ? कर्नाटका में। सो इट वॉज फर्स्ट इम्प्लीमेंटेड इन कर्नाटका इन खरीफ 2007। फ्रॉम खरीफ 2008 सीजन इट वॉज एक्सटेंडेड टू 10 states। सो इसका एम क्या है? टू मिटिगेट द हार्डशिप ऑफ इंश्योर्ड फार्मर्स अगेंस्ट द लाइकलीहुड ऑफ फाइनेंशियल लॉस ऑन अकाउंट ऑफ एंटिसिपेटेड क्रॉप लॉस रिजल्टिंग फ्रॉम एडवर्स वेदर कंडीशन। वही सारे में एक ही चीज़ है, एडवर्स वेदर कंडीशन से तो जो भी दिक्कतें हो रही हैं उसको हटाना है, ठीक है। रीस्ट्रक्चर्ड WBCI स्कीम लॉन्च हुई थी फिर से खरीफ सीजन से 2016 से 12 states में, जहाँ पे 9 states जो थी दे हैव इम्प्लीमेंटेड द स्कीम इन रबी 2016-17। अभी की बात करें तो एग्रीकल्चर इंश्योरेंस कंपनी ऑफ इंडिया AIC एंड अदर पब्लिक सेक्टर एंड प्राइवेट सेक्टर जनरल इंश्योरेंस कंपनीज एम्पैनल्ड बाय द मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड सिलेक्टेड बाय द कंसर्न स्टेट UT गवर्नमेंट इम्प्लीमेंट रीस्ट्रक्चर WBCIS। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। वर्षा बीमा द रेनफॉल इंश्योरेंस स्कीम इज मैनेज्ड बाय एग्रीकल्चर इंश्योरेंस कंपनी ऑफ इंडिया लिमिटेड। स्कीम इंट्रोड्यूस हुई थी ड्यूरिंग द 2007 साउथ वेस्ट मानसून पीरियड। इसमें से पहला स्टेटमेंट सही है, दूसरा गलत है। ये शुरू हुई थी 2004 में। वर्षा बीमा पायलटेड इन 20 एरियाज ऑफ आंध्रा उत्तर प्रदेश कर्नाटका एंड राजस्थान। सो स्टेटमेंट वन सही है। 2000 वेदर बेस्ड क्रॉप इंश्योरेंस स्कीम लॉन्च हुई थी फ्रॉम खरीफ सीजन इन 2007, जो कि इम्प्लीमेंट की गई थी AICIL के द्वारा। एट प्रेजेंट AICIL एंड अदर पब्लिक सेक्टर एंड प्राइवेट सेक्टर जनरल इंश्योरेंस कंपनीज एम्पैनल्ड बाय मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर सिलेक्टेड बाय कंसर्न स्टेट UT गवर्नमेंट इम्प्लीमेंट द रीस्ट्रक्चर WBCIS। क्रॉप इंश्योरेंस इज अंडर द मोनोपोली ऑफ। सो ये जो है, इन द क्वेश्चन पीरियड क्रॉप इंश्योरेंस वॉज अंडर द मोनोपोली ऑफ एग्रीकल्चर इंश्योरेंस कंपनी ऑफ इंडिया। फिर AIC हैड टेकन ओवर द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ क्रॉप इंश्योरेंस विच अंटिल फाइनेंशियल ईयर 2002-2003 वॉज इम्प्लीमेंटेड बाई जनरल इंश्योरेंस कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। एट प्रेजेंट AIC एंड अदर पब्लिक सेक्टर एंड प्राइवेट सेक्टर जनरल इंश्योरेंस कंपनीज एम्पैनल्ड बाई मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड सिलेक्टेड बाई कंसर्न स्टेट इम्प्लीमेंट द गवर्नमेंट स्पॉन्सर्ड एग्रीकल्चर एंड क्रॉप इंश्योरेंस स्कीम्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। क्रॉप इंश्योरेंस स्कीम इन इंडिया वॉज स्टार्टेड इन द ईयर 1985। सही है। द टोटल नंबर ऑफ एग्रो क्लाइमेटिक जोन्स इन UP इज 9। फूड फॉर वर्क प्रोग्राम स्टार्ट हुआ था इन द ईयर 1977। ब्लू रेवोल्यूशन इज कंसर्न्ड विद द प्रोडक्शन ऑफ मस्टर्ड। देखिए ये तो ईजी, बहुत ही ईजी एलिमिनेशन है। ब्लू मस्टर्ड तो नीले कलर का नहीं है ना, रेवोल्यूशन उसी तरीके से नाम रखे गए हैं जिस कलर से कहीं ना कहीं वो डिनोट कर रहे हैं। तो मस्टर्ड तो ऑयल सीड्स में आ जाएगा तो येलो हो गया, ठीक है। और बाकी तीनों स्टेटमेंट जो हैं वो सही है। नेक्स्ट, हरियाली योजना इज रिलेटेड टू। हरियाली योजना जो है वो किससे रिलेटेड है? फॉरेस्ट से, क्रॉप से, सॉइल से या वाटर से? तो देखिए वाटर से रिलेटेड है, इसके नाम से कन्फ्यूजन हो सकता है। फॉरेस्ट भी लगा सकते हैं, क्रॉप भी लगा सकते हैं। तो ये जो हरियाली योजना है ये वाटर मैनेजमेंट से रिलेटेड है। जनवरी 2003 में प्राइम मिनिस्टर अटल बिहारी वाजपेयी इन्होंने लॉन्च किया था हरियाली स्कीम रिलेटेड टू वाटर हार्वेस्टिंग विद आउटले ऑफ 2000 crores। एंड पर्पस जो था ऑफ दिस स्कीम वॉज टू इम्प्लीमेंट वाटर हार्वेस्टिंग प्रोग्राम्स, सोल्यूशन ऑफ ड्रिंकिंग वाटर प्रोग्राम्स प्रॉब्लम, टू प्रोवाइड इरीगेशन फैसिलिटीज एंड टू प्रमोट प्लांटेशन। दिस प्रोजेक्ट इज़ अंडर मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट। तो ये किसके अंदर है? रूरल डेवलपमेंट के अंदर है। एंड इट इज़ रन थ्रू 2.32 लाख पंचायत ऑफ द कंट्री। विशेष कृषि उपज योजना इज रिलेटेड टू। विशेष कृषि उपज योजना जो है वो रिलेटेड है थ्रस्ट इन एक्सपोर्ट ऑफ एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स। थ्रस्ट इन एक्सपोर्ट ऑफ एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स से रिलेटेड है, ठीक है। एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स के एक्सपोर्ट को बढ़ावा मिले इसलिए है। ऑब्जेक्टिव क्या है? टू प्रमोट एक्सपोर्ट ऑफ फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, फ्लावर्स
माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस डेयरी पोल्ट्री एंड उनके जो वैल्यू एडेड प्रोडक्ट्स होते हैं वो भी एंड प्रोसेस्ड विच आर प्रोसेस्ड डोमेस्टिकली बाय इंसेंटिवाइजिंग द एक्सपोर्टर्स ऑफ सच प्रोड्यूसर्स प्रोडक्ट्स। तो अगर आप जैसे उससे जो प्रोसेस कर रहे हैं अगर आप उसको ठीक है डोमेस्टिकली तो उनको थोड़ा सा और इंसेंटिवाइज किया जाएगा, इस तरह की भी इन्होंने स्कीम में लाया था। एक्सपोर्टर्स ऑफ सच प्रोडक्ट्स शैल बी एंटाइटल फॉर ड्यूटी क्रेडिट स्क्रिप इक्विवेलेंट टू 5%। ठीक है, एंड दिस स्कीम वॉज अनाउंस्ड इन द एक्सपोर्ट इम्पोर्ट पॉलिसी 2004 to 2009। राष्ट्रीय विशेष कृषि उपज योजना इज मेनली कंसर्न विद, तो ये मेनली कंसर्न है एक्सपोर्टेबल एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस से आएंगे। तो इसमें सब हमने देखा वेजिटेबल भी आ रहा है, क्रॉप्स भी आ रही हैं, माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस है, डेयरी पोल्ट्री सब कुछ आ रहा है, बट एक्सपोर्टेबल एग्रीकल्चर प्रोड्यूस। ऑब्जेक्ट ऑफ पीएम कुसुम स्कीम, पीएम कुसुम स्कीम का ऑब्जेक्ट क्या है? टू रिड्यूस फार्मर्स डिपेंडेंस ऑन मानसून फॉर इरीगेशन, टू रिड्यूस फार्मर्स डिपेंडेंस ऑन मनी लेंडर्स फॉर क्रेडिट प्रमोशन ऑफ फ्लोरिकल्चर, टू रिमूव फार्मर्स डिपेंडेंस ऑन डीजल एंड कैरोसिन एंड टू लिंक पंप सेट्स टू सोलर एनर्जी। तो ये इसका आंसर होगा डी। पीएम कुसुम प्रधानमंत्री किसान ऊर्जा योजना ऊर्जा सुरक्षा एवं उत्थान महाभियान स्कीम इज एम्ड एट इंश्योरिंग एनर्जी सिक्योरिटी फॉर फार्मर्स इन इंडिया अलॉन्ग विद ऑनरिंग इंडियाज कमिटमेंट टू इंक्रीज द शेयर ऑफ इंस्टॉल्ड कैपेसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक पावर फ्रॉम नॉन फॉसिल फ्यूल सोर्सेज टू 40% बाई 2030। और ये किसका पार्ट रहेगा? इस पार्ट ऑफ इंटेंडेड नेशनली डिटरमाइंड कॉन्ट्रीब्यूशंस। एंड द पीएम कुसुम स्कीम वॉज लॉन्च इन 2019 टू रिमूव फार्मर्स डिपेंडेंस ऑन डीजल एंड कैरोसिन एंड टू लिंक एग्रीकल्चर पंप सेट्स टू सोलर एनर्जी इज अमंग द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस स्कीम। नेक्स्ट, इन विच ऑफ द फॉलोइंग ईयर नेशनल लैंड रिकॉर्ड्स मॉडर्नाइजेशन प्रोग्राम वॉज लॉन्च्ड? तो ये शुरू हुआ था 2008 में। रेनफेड एरिया डेवलपमेंट प्रोग्राम वॉज लॉन्च्ड बाय द डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर एंड कॉपरेशन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। कब लॉन्च हुआ था ये? 2011-12 में। रेनफेड एरिया डेवलपमेंट प्रोग्राम RADP 11-12। तो ये किस लिए था? टू इंश्योर द एग्रीकल्चरल ग्रोथ इन द रेनफेड एरियाज। एक नई स्कीम लॉन्च हुई थी रेनफेड एरिया डेवलपमेंट प्रोग्राम एंड 11-12 में ही रिलीज ये आई थी। एंड एज अ सब स्कीम अंडर राष्ट्रीय कृषि विकास योजना इट एम्स एट इम्प्रूविंग क्वालिटी ऑफ लाइफ ऑफ फार्मर्स स्पेशली स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स बाय ऑफरिंग अ कंप्लीट पैकेज ऑफ एक्टिविटीज इन मैक्सिमाइज फार्म रिटर्न्स। नेक्स्ट, हैंडबुक ऑफ एग्रीकल्चर इज पब्लिश फ्रॉम? हैंडबुक ऑफ एग्रीकल्चर पब्लिश करता ICAR, इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चरल रिसर्च। यूपी काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चरल रिसर्च इज लोकेटेड एट, यूपी काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चरल रिसर्च है लखनऊ में। ये शुरू हुआ था 1989 में। नेफेड इज मेनली कनेक्टेड विद, नेफेड मेनली किससे कनेक्टेड है? एग्रीकल्चरल मार्केट से। नेशनल एग्रीकल्चर कोऑपरेटिव मार्केटिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया नेफेड जो है इट इज़ रिलेटेड टू एग्रीकल्चर मार्केटिंग। इट वॉज एस्टेब्लिश्ड ऑन 2 अक्टूबर 1958 और ये एपेक्स ऑर्गेनाइजेशन अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर जो कि डील करता है विद मार्केटिंग ऑफ कोऑपरेटिव्स फॉर एग्रीकल्चर प्रोड्यूस इन इंडिया। नेफेड हैज़ बीन स्टार्टेड विद द ऑब्जेक्टिव टू ऑर्गेनाइज प्रमोट एंड डेवलप मार्केटिंग प्रोसेसिंग एंड स्टोरेज ऑफ एग्रीकल्चर हॉर्टिकल्चर एंड फॉरेस्ट प्रोड्यूस। तो क्या क्या काम है इसका? ऑब्जेक्टिव क्या है इसका? टू ऑर्गेनाइज प्रमोट एंड डेवलप मार्केटिंग प्रोसेसिंग स्टोरेज ऑफ एग्रीकल्चरल हॉर्टिकल्चरल एंड फॉरेस्ट प्रोड्यूस डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एग्रीकल्चरल मशीनरी इम्प्लीमेंट्स एंड अदर इनपुट्स अंडरटेक इंटर स्टेट इम्पोर्ट एंड एक्सपोर्ट ट्रेड होलसेल ऑफ रिटेल एंड टू फैसिलिटेट कोऑर्डिनेट एंड प्रमोट द मार्केटिंग एंड ट्रेनिंग एक्टिविटीज ऑफ द कोऑपरेटिव इंस्टीट्यूशंस पार्टनर्स एंड एसोसिएट्स इन एग्रीकल्चरल एंड अदर कमोडिटीज। दस नेफेड इज ऑल्सो रिलेटेड विद एग्रीकल्चरल इम्प्लीमेंट्स बट इसका मेन ऑब्जेक्टिव जो है वो इट इज टू प्रमोट द कोऑपरेटिव मार्केटिंग ऑफ एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस थ्रू बेनिफिट टू द फार्मर्स। ठीक है, तो इसका मेन मुद्दा ऑब्जेक्टिव क्या है कि फार्मर्स को बेनिफिट मिले।
नेक्स्ट क्वेश्चन, द एपेक्स ऑर्गेनाइजेशन फॉर मार्केटिंग कोऑपरेटिव्स एट द नेशनल लेवल इज, तो अभी हमने देखा ये है नेफेड. विच ऑफ द फॉलोइंग एजेंसीज इज नॉट एंगेज इन एक्सपोर्टिंग एग्रीकल्चरल गुड्स फ्रॉम इंडिया, तो ये है इफको. नॉट एंगेज इन एक्सपोर्टिंग एग्रीकल्चरल गुड्स, ठीक है. तो एग्रीकल्चरल गुड्स को एक्सपोर्ट करने में कौन सी एजेंसी एंगेज नहीं है, नेफेड है, स्ट्रेट ट्रेडिंग कॉरपोरेशन है, MMTC है, इफको नहीं है. इफको जो है वो इट इज़ एंगेज इन द बिजनेस ऑफ मार्केटिंग एंड मैन्युफैक्चरिंग ऑफ फर्टिलाइजर्स इन इंडिया. इन इंडिया मार्केट्स इन एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स आर रेगुलेटेड अंडर, मार्केट्स जो हैं एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स के वो किसके अंदर रेगुलेट होते हैं, वो रेगुलेट होते हैं APMC, तो एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस मार्केटिंग कमिटी एक्ट, जो कि स्टेट्स ने इनएक्ट किया है. गोल्डन राइस हैज़ बीन मेड रिचर इन, तो गोल्डन राइस में सबसे प्रचुर मात्रा में क्या मिलता है, विटामिन ए मिलता है. गोल्डन राइस और ओराइजा सटाइवा, इट इज़ अ वैरायटी ऑफ क्रॉप राइस प्रोड्यूस थ्रू जेनेटिक इंजीनियरिंग टू बायोसिंथेसाइज बीटा कैरोटीन, जो कि एक प्रिकर्सर है विटामिन ए का, इन एडिबल पार्ट ऑफ द राइस. इट इज़ इंटेंडेड टू प्रोड्यूस अ फोर्टिफाइड फूड टू बी ग्रोन एंड कंज्यूम्ड इन एरियाज विद अ शॉर्टेज ऑफ डिलीवरी डाइट्री विटामिन ए, ठीक है. तो जहाँ पे डाइट्री विटामिन ए की कमी है वहाँ पे इसको एरियाज में ज़्यादा भेजा जाएगा, ठीक है. सो इट इज़ गोल्डन राइस. डिमांड ऑफ एग्रीकल्चर प्रोडक्ट इज फाउंड टू बी, डिमांड ऑफ एग्रीकल्चर प्रोडक्ट फाउंड टू बी इन इलास्टिक. पीपल कैन कंज्यूम ओनली सो मच दैट दे आर सैटिएटेड, इवन इफ प्राइस ड्रॉप्स दे विल नॉट बाय मच मोर, ठीक है. तो ये बोल रहे हैं कि जो एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स का जो डिमांड है वो इन इलास्टिक है, ऐसा नहीं है कि वैल्यू घटती जाएगी तो लोग भर के रख लेंगे, एक लिमिट तक ही वो ले सकते हैं. अगर उनका सैटिएशन लेवल आ गया है कि भाई मुझे एक साल में 5 क्विंटल गेहूं की ज़रूरत है, 5 का अगर बहुत सस्ता हो गया तो भाई इस साल वो 5 के 6 कर लेंगे, मैक्स टू मैक्स 7 कर लेंगे, इससे ज़्यादा वो बहुत ज़्यादा नहीं कर सकते, बिकॉज अगर उनकी पूरी रिक्वायरमेंट ही उतनी है तो वो उतना ही कर पाएंगे, ठीक है. तो इन इलास्टिक है ये. फर्स्ट एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटी इन इंडिया वॉज एस्टैब्लिश्ड इन, पहली एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटी जो थी पंतनगर में थी, जिसको प्लेस ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन भी बोला जाता है, बर्थ प्लेस ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन. GB पंत यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर एंड टेक्नोलॉजी इज द फर्स्ट एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटी ऑफ इंडिया, इट इज़ लोकेटेड इन पंतनगर उत्तराखंड. इनॉग्रेट हुआ था इन द ईयर 1960 एज द उत्तर प्रदेश एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटी एंड इन 1972 इसका रीनेम हुआ था टू इट्स प्रेजेंट नेम. Consider the following technological projects of Indian Council of Agricultural Research and arrange them in a chronological order according to their year of starting. National Agricultural Innovation Project, ये शुरू हुआ था 2006 में. फिर कृषि विज्ञान केंद्र 1974. National Agricultural Technology Project, ये हुआ 1998 में. और लैब टू लैंड प्रोग्राम, ये हुआ 1979 में. तो अगर इसकी क्रोनोलॉजी देखेंगे तो 2431A. इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ वेजिटेबल रिसर्च इज़ लोकेटेड एट, तो ये है वाराणसी में. सेंट्रल फूड टेक्नोलॉजिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट इज़ लोकेटेड एट मैसूर. सेंट्रल फूड टेक्नोलॉजिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट इज़ लोकेटेड एट मैसूर. CFTRI इज़ लोकेटेड इन मैसूर कर्नाटका. ये इस्टेब्लिश हुआ था 1950 में. नेशनल अकेडमी ऑफ एग्रीकल्चरल रिसर्च मैनेजमेंट इज़ लोकेटेड एट हैदराबाद. ये इस्टेब्लिश हुआ था 1976 में. नेशनल अकेडमी ऑफ एग्रीकल्चरल रिसर्च मैनेजमेंट. इंडियन ग्रासलैंड एंड फॉर्डर रिसर्च इंस्टीट्यूट, ये कहाँ पर है, ये झांसी में लोकेटेड है और ये इस्टेब्लिश हुआ था 1962 में. हेडक्वार्टर्स ऑफ इंटरनेशनल पटैटो सेंटर, ये है आपका हेडक्वार्टर्स ऑफ इंटरनेशनल पटैटो सेंटर. इट इज़ सिटुएटेड इन लीमा पेरू. देखिए इंटरनेशनल पटैटो सेंटर ये बना था 1971 में एज अ रिसर्च फॉर डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन विद अ फोकस ऑन पटैटो, स्वीट पटैटो, एंडियन रूट्स एंड ट्यूबर्स
एंड इट इज़ इट डिलीवर्स इनोवेटिव साइंस बेस्ड सोल्यूशन टू एनहेंस द एक्सेस और टू अफोर्डेबल न्यूट्रिशियस फूड, फोस्टर इंक्लूसिव सस्टेनेबल बिजनेस एंड एम्प्लॉयमेंट ग्रोथ, एंड ड्राइव द क्लाइमेट रेजिलियंस ऑफ रूट एंड ट्यूबर एग्री फूड सिस्टम. इट इज़ हेडक्वार्टर्ड इन लीमा, पेरू. इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स नीरू मीरू वाटर हार्वेस्टिंग प्रोग्राम वॉज लॉन्च इन द ईयर 2000? नीरू मीरू शुरू हुआ था आंध्र प्रदेश में. ठीक है, वाटर एंड यू, नीरू मतलब वाटर, मीरू मतलब यू. सो नीरू मीरू प्रोग्राम शुरू हुआ था आंध्र प्रदेश में, वाटर हार्वेस्टिंग प्रोग्राम था ये, ईयर 2000 में स्टार्ट हुआ था. द यूनियन गवर्नमेंट फिक्सेस द स्टैट्यूटरी मिनिमम प्राइस ऑफ शुगर केन फॉर ईच शुगर सीजन. शुगर एंड शुगर केन आर एसेंशियल कमोडिटीज अंडर द एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट. इनमें से कौन सा सही है ये बोल रहे हैं, तो सेकेंड सही है. यूनियन गवर्नमेंट फिक्सेस द स्टैट्यूटरी मिनिमम प्राइस. देखिए, यूनियन गवर्नमेंट इसका मिनिमम सपोर्ट प्राइस नहीं निकालती है या स्टैट्यूटरी मिनिमम प्राइस नहीं फिक्स करती है, बल्कि इसका फेयर और रेम्यूनरेटिव प्राइस. और जब भी आप देखोगे शुगर और शुगर केन से रिलेटेड प्रोडक्ट्स का, तो आप देखोगे उनका FRP होता है. ठीक है, फेयर एंड रेम्यूनरेटिव प्राइस होता है. अक्टूबर 22, 2009 को गवर्नमेंट ने शुगर केन कंट्रोल अमेंडमेंट ऑर्डर 2009 लागू किया था. टू अमेंड द शुगर केन कंट्रोल ऑर्डर ऑफ द ईयर 1966, बाय दिस अमेंडमेंट इन द ऑर्डर ऑफ 1966 द कॉन्सेप्ट ऑफ स्टैट्यूटरी मिनिमम प्राइस ऑफ शुगर केन वॉज रिप्लेस विद FRP. ठीक है, तो ये जो ऑर्डर आया था 1966 का, तो उससे पहले जो मिनिमम सपोर्ट स्टैट्यूटरी मिनिमम प्राइस का जो कॉन्सेप्ट था उसको रिप्लेस कर दिया गया था फेयर एंड रेम्यूनरेटिव प्राइस से. एंड सब्सिक्वेंट शुगर सीजन्स में भी शुगर एंड शुगर केन आर एसेंशियल कमोडिटीज़ अंडर द एसेंशियल कमोडिटीज़ एक्ट 1955. नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशन अप्रूव्स द फेयर एंड रेम्यूनरेटिव प्राइस ऑफ द शुगर केन. तो कौन सा ऑर्गेनाइजेशन करता है? कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स, जो MSP डिसाइड करती है. तो CCEA अप्रूव्स द FRP ऑफ द शुगर केन ऑन द बेसिस ऑफ रिकमेंडेशन ऑफ द कमीशन फॉर एग्रीकल्चरल कॉस्ट एंड प्राइसेस, CACP, in consultation with the state government and after taking feedback from the associations of sugar industry. The economic cost of food grains to the Food Corporation of India is minimum support price and bonus, if any, paid to the farmers, they are asking, kya kya hoga, economic cost jo hoti hai of food grains to the Food Corporation of India is minimum support price and bonus paid to the farmers, प्लस द प्रोक्योरमेंट इंसीडेंटल्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट. ठीक है, तो जो इकोनॉमिक कॉस्ट होती है फूड ग्रेन्स की टू द फूड कॉरपोरेशन इज अ टोटल एक्विजिशन कॉस्ट, जो कि मिनिमम सपोर्ट प्राइस आ जाएगी. उसके साथ ही अगर कोई बोनस है जो दिया गया है तो वो भी ऐड हो जाएगा. एंड प्रोक्योरमेंट इंसीडेंटल्स प्लस डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट भी उसमें होता है. तो एक्विजिशन कॉस्ट हो गई, डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट हो गई, MSP एंड बोनस अगर कोई है, एंड प्रोक्योरमेंट इंसीडेंटल्स होते हैं. ठीक है, तो देखिए इसी के साथ 150 क्वेश्चंस भी हमारे कवर हो गए हैं. अब बस लास्ट वीडियो हमारा बचेगा और ये हमारा चैप्टर जो है फोर्थ चैप्टर वी विल बी कम्प्लीट. सो इसी के साथ हम अपना वीडियो ख़त्म करते हैं. पढ़ते रहिए, रिवाइज़ करते रहिए. जय हिंद, जय भारत.